अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहाँ पर मुसलसिल पुलिस की जानिब से ये कोशिश की जाती है कि बॉन्ड ओवर करने की, चाहे वो रोड शूटर हो या फिर पुलिस को ये समझ में आ जाए कि ये बंदे से हमारी बनती नहीं और ये बंदे के ऊपर कुछ केस करना है, या कुछ पॉलिटिशियन या कुछ लोग ऐसे जो इसको पसंद नहीं करते, रसूखा रखने वाले लोग हैं, तो पुलिस के ज़रिए उसको बॉन्ड ओवर कराने की कोशिश करते हैं। तो बॉन्ड ओवर का तरीका क्या है और हमारा हक़ क्या है, बॉन्ड ओवर हम हो सकते या नहीं हो सकते, हमारे को क्या इख्तियार है, ये सारे मौजू पे, सारे मसले पर खुलकर बात की जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी ने, जो हाई कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के मशहूर एडवोकेट हैं। क्या है सारी सच्चाई है, ये सुनते और समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी साहब, हाई कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के मशहूर एडवोकेट हैं। तो कई लोग हमसे सवाल करते हैं, कई लोग के हमारे पास शिकायतें भी आते हैं और आपसे सवाल करो बोलकर जो है कहते हैं कि भाई कानूनी तौर पर जो है किस तरह से है। कई लोग हमको ये कहते हैं कि अब जो इलेक्शन, अब इलेक्शन कोड भी लग चुका है, इलेक्शन भी आ रहा है, कई ऐसे लोग हैं जिसको जो है पुलिस की जानिब से कॉल किया जाता है बॉन्ड ओवर के लिए, तो ये किस तरह से सब, एक आम आदमी का हक क्या है, अगर वो रजिस्टर है तो उसका हक क्या है, और जो आजकल सवाल पूछने पर या कुछ फील्ड पर जो है किसी को कोई पसंद नहीं आता तो उसको भी जो है पुलिस के ज़रिए जो है डराने की कोशिश की जा रही है, बॉन्ड ओवर करवाने की कोशिश की जा रही है, जिसका कोई केस भी नहीं है, तो किस तरह से वो अपने आप को डिफेंस कर सके और कानून की रोशनी में किस तरह से वो काम कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अहम मसले को उठाया है। इससे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से हमने बॉन्ड ओवर के बारे में, रोडी शीट के बारे में अवेयरनेस स्टेटमेंट दिया था। देखिए रहमत साहब, बॉन्ड ओवर सेक्शन 107 CRP के तहत पुलिस को एक इख्तियार दिया गया कि जो भी शख्स समाज के लिए, समाजी अमन के लिए खतरा होता, खतरा महसूस होता है उसको, या उसके अमल से, तो उसे बॉन्ड ओवर किया जाता है कि वो कोई गैर कानूनी कार्रवाई ना करे। तो इस अंदाज में प्रोसीजर के हिसाब से बॉन्ड ओवर में उस शख्स को गिरफ्तार करके RDO, मुतालिका RDO या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लिया जाता, लेके जाया जाता और वहाँ पे उसको एक प्रोसीडिंग एक्सेप्ट की जाती है जिसको बॉन्ड ओवर कहते हैं। उस बॉन्ड ओवर में उससे तंबी दी जाती है कि वो कोई आगे जाके जराइम ना करे, और अगर करता है तो कुछ अमाउंट उसके ऊपर एज ए पेनल्टी की जाती है। लिहाजा ये बॉन्ड ओवर का प्रोसीजर है। लेकिन बॉन्ड ओवर का जिस तरह से मिसयूज़ बिलखसूस इलेक्शन के दौर में होता है, ये साल के दूसरे महीने में, दूसरे वक्त में नहीं होता। रूलिंग पार्टी अपोजिशन लीडर्स के ऊपर बॉन्ड ओवर, उनके ऊपर बॉन्ड ओवर करती है, और जर्नलिस्ट के ऊपर भी बॉन्ड ओवर किया जा रहा है। लेकिन बॉन्ड ओवर एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है अगर एक्सेप्ट करते हैं तो। आपको जिसके ऊपर भी बॉन्ड ओवर के लिए बुलाया जाता है और उसे अगर लेके जाया जाता है RDO के पास, हम चाहते हैं कि वो बॉन्ड ओवर को एतराज़ कर सकता है और उसको अपोज़ किया सकता है RDO के पास। अगर अपोज़ किया जाएगा तो वहाँ पे बॉन्ड ओवर उसको नहीं किया जा सकता, उसको मौका दिया जाता है कि वो बॉन्ड ओवर को कंटेस्ट कर सके। लिहाजा अगर बॉन्ड ओवर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको अगला निशाना आपके ऊपर रोडी शीट खोली जा सकती है, क्योंकि रोडी शीट खोलने के लिए वन ऑफ द क्राइटेरिया है कि उसके ऊपर अगर बॉन्ड ओवर ने पेंडिंग बॉन्ड ओवर एक्सेप्ट किया जा, अगर अर्लियर में बॉन्ड ओवर किया है तो लिहाजा, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि रोडी शीट एक परमानेंट टैग नहीं है, रोडी शीट की लिस्ट को रिवाइज किया जाए। जो लोग रोडी शीट, जो लोग जिसको शीट में रखा गया है, मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन जो रोडी शीट में बताया जा रहा है कि वो अपनी अमन और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मजबूरी इस बात की है कि पुलिस हरासमेंट उनके ऊपर किया जाता बॉन्ड ओवर के नाम पर, हिस्ट्री शीट के नाम पर रोडी हरासमेंट किया जाता। लिहाजा रोडी शीट के नाम में रिवाइज हो और बॉन्ड ओवर एक्सेप्ट करने से खतरा है। आपके चैनल के ज़रिए हम ये कहना चाहते हैं कि बॉन्ड ओवर एक्सेप्ट ना करें, और अगर अपोज कर सकते हैं आप RDO के पास और उसको कंटेस्ट कर सकते हैं, और अगर एक्सेप्ट करेंगे बॉन्ड ओवर तो रोडी शीट खुलने के चांसेस है, और
आपको पता है कि एक रोडेशिक टैग इतना खतरनाक टैग है एक इंसान के लिए, एक शहरी के लिए, क्योंकि उसके नाम के ज़रिए साथ साथ उसकी तमाम फैमिली की मुतासिर होती है। अगर वो रोडेशिया का बच्चा होता, बेटा होता, स्कूल में उससे बदनाम किया जाता। अगर रोडेशिया की कोई रोडेशिया की बहन होती तो उसके रिश्ते में दरारें तकलीफ़ें होती। अगर उसका कोई भाई है तो उसको तनख्वाह नौकरियां मिलने में दुश्वारी हो रही है। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि रोडेशिया जब भी ओपन की जाती है उसको हर साल एवरी दिसंबर रिवाइज करना चाहिए PSO 602 के तहत, ताकि अच्छे लोगों को सुधरने का मौका मिले और बुरे लोगों की रोडेशिया खोलने में कोई एतराज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उनको भी बांडवों को बुलाया जाता है, अगर वो बांडवर पे सहन नहीं करते और कंटेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको पुलिस का जो है जुल्म और पुलिस के टॉर्चर का उनको डर रहता है, ऐसे लोग क्या करें? देखिए, डर से आगे, डर के आगे ही जीत है। सिर्फ डरा सकते हैं ये लोग। आप मजबूत रहिए, आपको किसी तरह का कानूनी नुकसान नहीं होगा। बॉन्ड ओवर एक्सेप्ट करने का एक मैसेज ये है, उसका एक विंडो खुल जाएगा रोडेशिया का। अगर कोई जोर और ज़बरदस्ती होती है तो आप कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और जोनल कमिश्नर ने DCP लेवल में कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको इख्तियार है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होने की बुनियाद पर HRC में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस हरासमेंट कर रही है। लिहाजा हर तरीके का, हर गैर कानूनी काम भले आम आदमी करने दो या पुलिस डिपार्टमेंट करने दो, उसका कानूनी हल है। उम्मीद मगर कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और थोड़ा सा डट के काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मजबूत और पायदार दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फखरे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।